Question number 7. Conversation at home. भाईजान, माँ तुम्हें बुला रही है. भाईजान, mother is calling you. क्या तुम देखते नहीं कि मैं अपनी साइकिल मरम्मत कर रहा हूँ? Don't you see that I am mending my bicycle? ये बेकार है. तुम इसकी मरम्मत खुद से नहीं कर सकते. It's useless. You can't repair it by yourself. कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं. हो सकता है मैं इसे दोबारा चला लूँ. No harm in trying. Maybe I make it to run again. और क्या होगा अगर तुम इसे मजीद नुकसान पहुंचा दो? And what happens if you damage it more? तुम्हें इस बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं. अब बताओ माँ मुझसे क्यों मिलना चाहती है? You need not to worry about it. Now tell me, why does the mother want to see me? वो चाहती है कि तुम दुकान पर जाओ और कुछ सौदे की चीजें वहाँ से लेकर आओ. She wants you to go to the store and bring some grocery items from there. देखो मैं बहुत मसरूफ हूँ. बराए मेहरबानी ये काम तुम मेरी खातिर कर दो. Look, I am very busy. Please do it for me. मैं नहीं कर सकता. मेरे मास्टर किसी भी लम्हा आ सकते हैं. I can't. My tutor might come any moment. ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करो. मैं जानता हूँ अभी काफी वक्त है. तुम स्टोर तक जा और वापस आ सकते हो. Don't try to be smart. I know there is still enough time. You could go and be back from the store. मगर मुझे कुछ बकाया होमवर्क मुकम्मल करना है उनके यहाँ आने से पहले. But I have to complete some remaining homework before he gets here. अच्छा अच्छा, जाओ और मुझे अशिया की फहरिस्त ला दो. Okay, okay. Go and get me the list of articles. जैसे कि तुम बाहर जा रहे हो, मुझ पर एक इनायत कर दो. As you are going out, please do me a favor. यकीनन, मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्यों का मदद कर सकता हूँ? Of course, tell me how can I help you? तुम्हारे रास्ते में तलहा का घर है. बराए मेहरबानी उससे कहना कि वो मुझसे आज शाम मुलाकात करे. Just on your way is Tala's house. Please tell him to see me this evening. यकीन रखो तुम्हारा पैगाम पहुंचा दिया जाएगा. और कुछ? Be sure your message will be delivered. Anything else? नहीं शुक्रिया, बस यही मैं चाहता हूँ. No thanks, that's all I want. तलहा अपने घर में मौजूद नहीं था, चुनाचे मैं तुम्हारा पैगाम उसके छोटे भाई के पास छोड़ आया हूँ. तलहा was not in his home, so I left your message with his younger brother. आपका शुक्रिया. आइए अब आप अपना खाना खाएं, ये काफी देर से निकाला जा चुका है. Thank you. Now let us have our lunch. It has been served for quite some time. ये सूप कितना लजीज है. What a delicious soup it is. गोश्त के कतले भी मजेदार हैं. Mutton steaks are tasty too. जनाब जरा चावल का प्याला मेरी तरफ बढ़ाएं. Please pass me on the bowl of rice. अच्छा, मैंने काफी खा लिया. अब मैं आपसे इजाजत चाहूँगा. Well, I have had enough meal. I should take your leave now. Page number 11. First day in school. माफ कीजिएगा जनाब, मैं नवी क्लास को कहाँ ढूंढ सकता हूँ? मैं यहाँ नया हूँ. Excuse me, sir. Where can I find class 9? I'm new here. क्या तुम ठीक इस सिंफ में सीढ़ी देख सकते हो? Can you see the ladder right in the directions? हाँ, वो वाली. क्या वो नहीं? Yes, that one. Isn't that? हाँ, यकीनन. अब सीढ़ियों से ऊपर जाओ और किसी से वहाँ पर कहो कि वो तुम्हें क्लास सिखा दे. Yes, of course. Now go up the stair. Ask somebody there to show you the class. बहुत बहुत शुक्रिया आपके ताउन का. Thanks a lot for your help. हम आपका खैर मकदम करते हैं. बस बिल तस्करा, आप वहाँ किससे मिलना चाहते हैं? You are most welcome. By the way, whom do you want to see there? कोई भी नहीं. दरअसल मुझे हाल ही में इस क्लास में दाखिला मिला है और मैं इसमें शरीक होना चाहता हूँ. Nobody. Actually, I have been recently admitted in that class and want to attend it. क्या उसने इत्तेफाक है? तुम्हें पता है कि खुशकिस्मती से हम दोनों हम जमात हैं. मैं भी क्लास नवी में पढ़ता हूँ. What a coincidence. You know, by the stroke of luck, we are classmates. I also read in class 9. मुझे ये सुनकर बहुत मुसर्रत हुई. Much delighted to hear that. क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? May I know your name, please? यकीनन, मेरा नाम नवीद है. Of course, my name is Naveed. तुम्हारा दाखिला इस स्कूल में कब हुआ? When were you admitted in this school? एक हफ्ता कबल, मगर घर पर कुछ काम की वजह से मैं पहले ना आ सका. A week ago, but could not come earlier due to some work at home. तुमने अपना साबिका स्कूल क्यों छोड़ा? Why did you leave your previous school? क्यों
इलाके से जहाँ मेरा गुज़िश्ता स्कूल वाक़ था, हम यहाँ मुंतकिल हो चुके हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अब तुम कहाँ क़याम पज़ीर हो? यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ चंद कदमों के फासले पर। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें सवारी का कोई मसला नहीं। That means you have no conveyance problem. बिल्कुल नहीं, मुझे बमुश्किल 10 मिनट लगते हैं यहाँ पहुँचने में। Not at all. It hardly takes me 10 minutes to get here. क्या तुम आज अपनी किताब लाए हो? Have you brought your book today? हाँ, आज से मैं अपनी क्लास बाकायदगी से अटेंड करने का इरादा रखता हूँ। Yes, from today, I intend to take my classes regularly. ओह, क्लास शुरू होने वाली है, क्या मैं तुम्हें क्लास दिखा सकता हूँ? The class is about to begin. May I show you the way to the classroom? बिल्कुल, ये तो आपकी बड़ी करम नवाजी होगी। Certainly, it's an act of kindness on your part. कोई बात नहीं, ये मेरा अखलाक फर्ज था, आओ चलें। Never mind, it's my moral duty. Let us move. क्या तुम मुझे अपने कुछ दोस्तों से मुतारिफ कराओगे? Will you please introduce me to some of your friends? जरूर, मुझे उम्मीद है कि तुम उनकी रफाकत से महसूस होगे। Of course, I hope you will enjoy their company. एक और चीज, अब तक किस कदर कोर्स मुकम्मल हो चुका है? One more thing, how much course has been covered as yet? ज्यादा नहीं, अब तक सिर्फ पहले अवाब ही शुरू किए जा सके हैं। Not much so far, only first chapters are in progress. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.